दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर रिसेंटली कुछ बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं 12 मई 2023 जहां पर आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक प्रेस रिलीज इशू करी है और ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करने वाली है 18 मई 2023 के दिन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर शेयर करी है। इस प्रेस रिलीज को जाने उसके पहले ठीक दो दिन पहले ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो अपनी प्रेस रिलीज इशू करी थी पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड की ठीक दो तीन दिन पहले की प्रेस रिलीज मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है 8 मई 2023 के दिन की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट को यहां पर अनाउंस किया था, जहां पर कंपनी ने बताया था कि वो अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को 18 मई 2023 के दिन रिलीज करने वाली है, यानी कि डिक्लेयर करने वाली है। और यहां पर सेकेंड पॉइंट जो आपको देखने को मिला था वो देखने को मिला था कि कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू यहां पर फंड रेज करने का करेगी, बोर्ड के सामने अपना प्रस्ताव रखेगी और बोर्ड अगर इसको लेकर मंजूरी दे देता है तो आने वाले टाइम में आपको इस कंपनी में फंड रेजिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोई भी अनदर अपडेट हमें यहां पर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज के दिन कंपनी ने अगेन एक प्रेस रिलीज इशू करी है। आप देख सकते हैं 12 मई 2023 के दिन, जिसमें कंपनी ने यहां पर क्लियर किया है कि कंपनी क्वार्टर फोर के रिजल्ट में डिविडेंड भी देने जा रही है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी यहां पर फाइनल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देने जा रही है, जिसमें कंपनी ने ये सारी चीजें क्लियर करी है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड होने वाला है, तो इसको लेकर भी यहां पर कंपनी ने सारी चीजें शेयर कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी वो हमें 26 मई 2023 के दिन ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 26 मई 2023 के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड ने बोर्ड शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेकर तो अपडेट शेयर करेगी, लेकिन साथ ही साथ जो डिविडेंड यहां पर कंपनी अनाउंस करेगी उसकी रिकॉर्ड डेट भी हमें इसी दिन देखने को मिलेगी। तो अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी कर रखी है तो 18 मई 2023 के दिन सिर्फ क्वार्टर थ्री के रिजल्ट ही नहीं देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ फंड रेजिंग और डिविडेंड को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेगी। यदि आपने ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। आज के दिन अगर ट्राइडेंट लिमिटेड की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर 1% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी हमें 16,358 करोड़ रुपए पर देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि रिजल्ट से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन अभी तक ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर नहीं है, क्योंकि क्वार्टर फोर के अंदर हमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी और उसका एक सीधा असर ट्राइडेंट के फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर कुछ टेक्निकल लेवल्स जो यहां पर निकल कर आ रहे हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ और टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में चाहते हैं, तो ट्रेड ब्रेन्स का सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कंप्लीट एनालिसिस किसी भी शेयर्स के बारे में कर सकते हैं और ट्राइडेंट के बारे में भी कर सकते हैं। ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल की ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से आप साइन अप कर सकते हैं और इनके प्रीमियम वर्जन का बेनिफिट उठा सकते हैं, जहां पर आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और वो स्पेशल बाजार की खबर फैमिली मेंबर्स के लिए कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी साइन अप कर सकते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे प्रोज भी हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो हमें 0.5% से भी कम का देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है और करंट रेशियो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल 18 मई तक का, यानी कि नेक्स्ट वीक तक का वेट करिए। यहाँ पर आपको नंबर्स इफेक्टिव अगर देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी पॉसिबल है। अदरवाइज आप ट्राइडेंट के अंदर 30 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजिशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। Thank you for watching. Have a nice day.